हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एयर एविएशन लाइफ में। दोस्तों फाइनली एयर इंडिया एक्सप्रेस ने लॉन्च कर दिया है लेटेस्ट वैकेंसी टू बिकम कैबिन क्रू। दोस्तों तो अगर आपको बनना है एयर होस्टेस या बनना चाहते हो कैबिन क्रू या आप भरना चाहते हो अपने सपनों की उड़ान, तो गाइस ये जॉब अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। दूसरी चीज, ये हायरिंग सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, तो अगर आप फ्रेशर है तो ही इस वीडियो को आगे देखिएगा, बिकॉज ये स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए हायरिंग रहने वाली है। लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू आस्क कि क्या हमें कैबिन क्रू बनने के लिए किसी एविएशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत है या क्या हमें कोई डिप्लोमा कोर्स करने की जरूरत है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, ना कोई डिप्लोमा कोर्स करना है। आपको करना है सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन और इंटरव्यू क्रैक करके दोस्तों ये नौकरी, अमेजिंग जॉब आपके हाथ में आने वाली है। बहुत से स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि क्या हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी, हमें पहले ये बताओ। दोस्तों को तनख्वाह मिल जाएगी, वो एक अप्रॉक्स 40 से 50 हजार के आसपास तनख्वाह मिलने वाली है। आप लोगों को तो रेडी हो जाइए। दूसरी चीज, आपको देश विदेश ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। आप जो है दुबई, सिंगापुर, इस्तांबुल, अलग अलग फॉरेन फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो। दोस्तों जो स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने का बड़ा शौक है, जो स्टूडेंट्स ट्रैवल करना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर, और वो जो है ट्रैवल करते करते नौकरी करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये जॉब अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। बिकॉज ये जॉब एक ऐसी जॉब है जहां पे आप ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और अमेजिंग सैलरी भी रहने वाली है। लॉट ऑफ पीपल अभी आप स्टे करते हो होटल में, तो नॉर्मल होटल में स्टे करते हो, लेकिन जब आप कैबिन क्रू बन जाओगे दोस्तों, तो आप जो है बड़े ही इंटरनेशनल एक से एक होटल में स्टे करेंगे, 5 स्टार 4 स्टार होटल में स्टे करेंगे। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि हमें इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, फटाफट से बता दो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है दोस्तों, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी चीज दोस्तों, ये चैनल एक ऐसा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट चैनल है जहां पे आपको मिलते रहेगी जॉब की सबसे जेन्युइन अपडेट और सबसे फास्ट अपडेट। तो अगर आपको जॉब की जेन्युइन अपडेट चाहिए, सबसे फास्ट अपडेट चाहिए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स अब इस वीडियो को 7 दिन 10 दिन 1 महीने या 1 साल के बाद या 10 साल 20 साल के बाद भी देख रहे होंगे। दोस्तों ये जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आप इतने दिनों के बाद देखें, तो माने चले कि ये जॉब आपके हाथ से छूट चुकी है, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। ठीक है भाई, तो क्योंकि होता क्या, वैकेंसी बहुत कम ड्यूरेशन की आती है। ठीक है, उस कम ड्यूरेशन में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है और तुरंत इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, बात करते हैं इंटरव्यू का लोकेशन क्या है, वेन्यू क्या है, तो फटाफट से दोस्तों चीजों को डिस्कस करते हैं आपके इस आज के इस वीडियो में। देख सकते हैं ये एयर इंडिया एक्सप्रेस दोस्तों एयरलाइंस जो बहुत अच्छी एयरलाइंस है, बहुत अच्छी तनख्वाह देती है। दूसरी चीज, बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस देती है और एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी सुख सुविधाएं भी देती है एयर इंडिया एक्सप्रेस। नॉट डिस्कस करते नेक्स्ट चीज के बारे में कि इंटरव्यू कब कंडक्ट हो रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप फटाफट से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यू नो वाई, बिकॉज इस ग्रुप को मैंने बनाया गया है, बनाया है स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, एयरलाइंस जॉब ढूंढने में परेशानी होती है, जेन्युइन जॉब अपडेट नहीं मिल पाती, तो दोस्तों ये जॉब अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। प्लस आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मैं टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया। दोस्तों जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे इंटरव्यू कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं इसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। एक चीज और, बहुत से स्टूडेंट्स दोस्तों आपको, जैसे अगर आपका शहर पुणे के पास है तो आप पुणे जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपका शहर दिल्ली के पास है तो आप दिल्ली जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। मतलब ये ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट हो रहे हैं इनके इंटरव्यूज, राइट। बात करते हैं कैसे कैसे अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, कैसे करना। दोस्तों ये ऑल ओवर पैन इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया में हायरिंग हो रही है इस चीज की। ठीक है, अभी समझ में आ गया दोस्तों। तो पहली हायरिंग हो रही है वो पुणे में, तो उसका डेट तो निकल चुका है, लखनऊ का डेट निकल गया, दिल्ली का डेट निकल गया। ओके, दिल्ली का डेट बचा हुआ है दोस्तों, तो 13 फरवरी को दोस्तों हायरिंग हो रही है दिल्ली में। तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, जयपुर, जोधपुर, राजस्थान, यहाँ के आसपास रहने, तो दोस्तों दिल्ली को टारगेट करना है आप लोग को इंटरव्यू देने के लिए। दूसरी चीज, ये 15 फरवरी को दोस्तों गुवाहाटी में इंटरव्यू कंडक्ट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के रहने वाले हो, गुवाहाटी, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ईटानगर, कोलकाता, तो वहां के रहने वाले हो अगर, तो दोस्तों 15 फरवरी को गुवाहाटी में इंटरव्यू कंडक्ट हो, तो बी रेडी फॉर द गुवाहाटी ड्राइव। ठीक है, अभी समझ में आ गया आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, अगला इंटरव्यू दोस्तों बैंगलोर में कंडक्ट हो रहा है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं बैंगलोर में, तो बी रेडी। अगर आप इंडिया के सदर्न मोस्ट रीजन में रहते हो, तो अगर आपको साउथ में रहते हो, इफ यू आर फ्रॉम हैदराबाद, चेन्नई, तमिलनाडु, बैंगलोर, कोची, तो गाइस बी रेडी फॉर द बैंगलोर ड्राइव। नेक्स्ट कन्नूर, दोस्तों ये भी साउथ का ही है, राइट, नाम से समझ में आ रहा है 22 फरवरी 2024 को। और नेक्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं 27 फरवरी को चेन्नई में। दोस्तों सबसे आसान, अब आप बोलोगे सबसे आसान कहाँ पे इंटरव्यू देना और कहाँ पे कम कॉम्पिटिशन है थोड़ा सा, वैसे अगर आप मेरा एक्सपीरियंस यूज करके, सबसे कम कॉम्पिटिशन कहाँ पे रहने वाला है, चेन्नई में सबसे कम कॉम्पिटिशन रहने वाला है, राइट। बैंगलोर में थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा, लेकिन सबसे अगर कम कॉम्पिटिशन देखा जाए दोस्तों, तो वो कहाँ पर मिल जाएगा आपको, चेन्नई में सबसे कम कंपटीशन मिलेगा। बिकॉज होता क्या है दोस्तों, ध्यान देना कि साउथ के स्टूडेंट्स को नहीं आती है हिंदी, तो वहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस एक ऐसी एयरलाइन है जहां पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आने चाहिए, और साउथ के स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं आती, तो वहां वो बंदा फंसेगा।
ठीक है भाई, समझ में आया। तो अगर आप साउथ के रहने वाले हैं या नॉर्थ के रहने वाले, तो आप साउथ में जाके इंटरव्यू दीजिए, बिकॉज होगा क्योंकि वहां के बंदों को क्या नहीं आती, हिंदी नहीं आती, और डोमेस्टिक में क्रू बनने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों की ही रिक्वायरमेंट है। तो समझ में आया, तो करना क्या, तो इस चीजों को टारगेट करिए। बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भाई अभी जो है दोस्तों एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर 10 फरवरी क्रैश कोर्स, मतलब आज से ही क्लासेस चालू हो चुकी है दोस्तों। देख सकते हैं, मेरा नाम आशीष कुमार साहू है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं एविएशन लाइफ कंपनी का। दोस्तों मैं हूं एक्स एयरलाइंस एम्प्लॉय, मैंने क्रैक किए मल्टीपल एयरलाइंस के बहुत सारे कैबिन क्रू के इंटरव्यू, बहुत सारे ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू, प्लस हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं सर ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है, घर बैठे बैठे तैयारी करनी है, दोस्तों एविएशन लाइफ आपके लिए लेकर आ गया है वर्ल्ड की सबसे अफोर्डेबल क्लास, जो कि हम पिछले 2 से 2.5 साल से रन कर रहे हैं। दोस्तों हमारी क्लासेस में आपको मिलेगा फ्री सीवी मिलेगा, रिकॉर्ड लेटर फॉर लाइफ टाइम मिलेगा, मॉक इंटरव्यू मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और दोस्तों रेफरेंस भी दिया जाएगा आपको इस एयरलाइंस के इंटरव्यू लिस्ट से। होता क्या है कि अगर आप इंटरव्यू थोड़ा कम भी परफॉर्म करते तो भी आप सेलेक्ट होने वाले हो। दूसरी चीज, अगर आपने एविएशन लाइफ से पढ़ाई करी है तो दोस्तों गारंटी मेरी इतनी है कि आप आराम से इंटरव्यू निकाल लोगे, और दोस्तों आपको कोई ताकत नहीं रह सकती इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। कल ही की बात है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे और वो काम कर रहे हैं दोस्तों आज इन एयर इंडिया एज अ कैबिन क्रू, राइट। दोस्तों कल की बात है, देख सकते हैं आप, अब जमाना बदल गया है, ऑफलाइन से सब ऑनलाइन में ट्रैक हो रहे हैं। क्योंकि देखो ऑफलाइन में होता है क्या कि फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं वो लोग, प्लस ऑफलाइन बिल्कुल यूजलेस है। तीसरा क्या दोस्तों, ऑफलाइन में आपको तेल का खर्चा, आने जाने का खर्चा देना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन अब जमाना बदल चुका है। देख सकते हैं अंशु, प्रिया, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं एयर इंडिया में, इंडिगो एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू एंड एज अ एयर होस्टेस। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ पे आके आप उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के वीडियो भी देख सकते हो जो आई बटन में आ गए। जैसे आई बटन में क्लिक मारोगे तो आपको इनके सारे के सारे वीडियो दिख जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये प्रिया, कल ही के दिन है बात कर रही थी, प्रिया यहाँ पढ़ाई कर रही थी एज अ कैबिन क्रू। देख सकते हैं प्रिया यहाँ पे पढ़ाई कर रही है कैबिन क्रू बनने के लिए, और प्रिया यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है एज अ कैबिन क्रू, और वो शेयर कर रही है अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। दोस्तों आप भी प्रिया की तरह ही कैबिन क्रू बन सकते हो, अगर आप पहले छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, चाहे किसी भी शहर से हो, कहीं भी अपनी पढ़ाई कर रखी हो। जो मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस, मुझे पता है कि इंटरव्यू में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हायरिंग है, कैसे सिलेक्शन होगा और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों प्रिया यहाँ पढ़ाई कर रही है और यहाँ पे वो सिलेक्ट हो चुकी है। त्रिफिना, दोस्तों त्रिफिना नाम की स्टूडेंट भी सिलेक्ट हो चुकी है इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू। दो स्टूडेंट दोस्तों लगातार देखो और सिलेक्टेड, बाकी लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, बट अभी अगर देखा जाए तो अगर मैं लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पे त्रिफिना और प्रिया दे बोथ आर द स्टूडेंट दोस्तों वर्किंग। देख सकते हैं यहाँ पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो गाइस आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों एविएशन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एडमिशन चल रहे हैं अभी, तो फटाफट से मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर में एंड हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स। ठीक है, ये कोर्स 1 मंथ का रहने वाला है, और अगर आप आज एडमिशन लोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी एड ऑन मिलने वाली है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आके देख सकते हो दोस्तों दीपांशी ने क्रैक कर दिया इंटरव्यू। तो हमारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हो आप, उस वीडियो का इंटरव्यू ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं हमारे स्टूडेंट्स, राइट। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस दीपांशी का है, दीपांशी काम कर रही है एयर इंडिया में एज अ कैबिन क्रू। दोस्तों ये स्टूडेंट भी हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स, मेरा एक ही उसूल है भाई, स्टूडेंट को सेलेक्ट कराओ तो एक अटेंड में सेलेक्ट करवाओ, राइट। दीपांशी खुद काम करी दोस्तों इन एयर इंडिया एज अ कैबिन क्रू, और ये उनका एंट्री एक्सपीरियंस है, आई बटन में आके देख सकते हैं दोस्तों। तो फटाफट से मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप नंबर में सीट्स बहुत लिमिटेड है, बी क्विक एंड अवर टीम विल बी कोऑर्डिनेटिंग विथ यू। ठीक है भाई, बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्टर करना है। देख सकते दीपांशी, ओके, तो करना क्या, जैसे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे इनका पोस्टर बैनर दिया हुआ होगा। ठीक है, ये पोस्टर बैनर दिया हुआ होगा यहाँ पे आकाशा, ये स्पाइस एयर इंडिया एक्सप्रेस का। तो करना क्या, फटाफट से फोन खोल लीजिए दोस्तों, राइट, फोन खोल के उसमें स्कैनर निकाल लीजिए, राइट, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर निकाल लीजिए, स्कैनर निकालने मत करना कि आपको जो है यहाँ पे स्कैन कर देना इस कोड को। जैसे आप स्कैन करेंगे, ठीक है, ठीक है, जैसे आप स्कैन करेंगे चीजों को तो ये नया ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही न्यू ब्राउजर में ओपन होगा तो आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब वो गूगल फॉर्म में शेयर करने वाला हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है भाई, तो उसको स्कैन करना है प्रॉपर, ये एयरलाइंस का रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया आपको, फिर से क्या बोलते हैं, 1 फरवरी, सॉरी एविएशन लाइफ जॉब अपडेट में टेलीग्राम में यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया आप लोग को जॉब के लिंक। अब बात करते हैं इंटरव्यू कब कंडक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं, लोकेशन क्या है, सारी चीजों के बारे में। तो इसको, इस फॉर्म को आपको क्लिक मार देना है, जैसे ये फॉर्म क्लिक मारोगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू कब कंडक्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना दोस्तों, राइट। तो फटाफट से आपको बताता हूँ ताकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, वैसे भी वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे जैसे 10+2, ठीक है, तो अगर आप 10+2 हैं तो गेट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके परसेंटेज कम भी है, जस्ट पास भी हो, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं सेकंड, इंडियन नेशनल होना चाहिए, कोई फॉरेन नेशनल नहीं चाहिए, इंडियन नेशनल की हायरिंग होने वाली है। नेक्स्ट, मिनिमम हाइट फॉर फीमेल है वो है 157 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे बोलेंगे यार एयर इंडिया
ज्यादा हाइट रिक्वायरमेंट रखती है, बाकी कम है दोस्तों। हाँ, आप अगर इंडिगो लेंस का इंटरव्यू दोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा कम। एक चीज ध्यान देना, वैसे फीमेल का हाइट दिया गया दोस्तों, ये हायरिंग बिल्कुल फीमेल के लिए है, कोई मेल की हायरिंग नहीं है ये। मेल के लिए दोस्तों अभी हायरिंग चल रही है 5G एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू, एंड सेकंड एमिरेट्स में हायरिंग चल रही है, थर्ड गल्फ एयर में हायरिंग चल रही है, फोर्थ कतर एयरवेज में हायरिंग चल रही है फॉर द कैबिन क्रू। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू BMI, ठीक है। क्लियर कंप्लेक्शन, नो विजिबल टैटू, मतलब कोई टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। विजिबल पार्ट में कोई स्कार नहीं होना चाहिए, कोई स्कार नहीं होना चाहिए, कोई डेंटल ब्रेसेस नहीं होना चाहिए विजिबल पार्ट में, ठीक है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऊपर। अब यहीं पे साउथ के बंदे क्या होते हैं, छट जाते हैं, बिकॉज वो प्रिपेयर ही नहीं करना चाहते, वो हिंदी ट्राई नहीं करना चाहते दोस्तों। अगर आप हिंदी बोलना सीख जाओगे दोस्तों, एक नौकरी हाथ में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं रहता और साउथ में ऐसा कुछ होता दोस्तों, मैं तो सदर्न लैंग्वेज सीख लेता, बिकॉज एक जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। तो हिंदी सीख लोगे साउथ के स्टूडेंट्स, सो गाइस दिस जॉब विल बी फॉर यू। नेक्स्ट, वी आर लुकिंग फॉर दोस्त वी आर दोस्त फन फ्रेंडली एंड आउटगोइंग पर्सनालिटी, ठीक है। समझ में आ गया, बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में। तो जैसे अब नीचे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास नहीं रहता है दोस्तों, फटाफट से टीकाकरण लगवा लीजिए एंड गेट रेडी विद द कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट। दोस्तों ध्यान देना, डोंट ट्राई टू मेक एचआर फूल, ठीक है, डोंट ट्राई टू मेक एचआर फूल, दे आर वेरी मच ओवर स्मार्ट पर्सन। तो अगर वहां जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक हो गई होगा, तो प्लीज डोंट ट्राई टू मेक देम फूल। नेक्स्ट, वी नीड एन अपडेटेड रिज्यूमे। दोस्तों ध्यान देना कि सेकंड जो खेल इंटरव्यू क्रैक करने का वो है रेज्यूमे का ही। तो अगर आपका रेज्यूमे अप टू द मार्क नहीं रहेगा, रेज्यूमे में वो चीजें डिजायर्ड नहीं रहेगी, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो रेज्यूमे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर आप मेरी क्लासेस में एनरोल करते हो दोस्तों, हमारे पास जो है 60 से 70 स्टूडेंट वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू, 60-70 स्टूडेंट्स, ठीक है, एज अ वर्किंग एज अ कैबिन क्रू। अभी तो दोस्तों शायद 80 भी हो गए होंगे, ठीक है। भी समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सारी की सारी चीजें, वी नीड अ अपडेटेड रेज्यूमे, रेज्यूमे ऐसा हो जो एयरलाइंस वालों की रिक्वायरमेंट हो तो शॉर्टलिस्ट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, पासपोर्ट लेना चाहिए ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, पैन कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, 12th क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें आपको लेकर जाना दोस्तों। नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना, कम से कम 2-3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके चले जाना। नेक्स्ट, फॉर कैंडिडेट्स विद एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपके पास क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं, SEP कार्ड होना चाहिए, एंड ये सारी की सारी चीजें हैं। और सबसे मजेदार चीज क्या दोस्तों, आपको अपना खुद का पर्सनल ईयरफोन लेकर जाना है, हेडफोन अगर तो हेडफोन भी लेकर जाना है, बिकॉज होता क्या है वहां पे वर्सन टेस्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स उसमें फेल होते हैं। तो प्लीज कैरी योर ओन हेडफोन फैसिलिटी विद ऑडियो बेस्ड, ध्यान देना कि क्वेश्चन में ब्लूटूथ वाला ना हो दोस्तों, वायर वाला हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा उसे क्या दोस्तों, क्लियरिटी नहीं चाहिए आप लोग, यू नो व्हाई, बिकॉज वी डोंट वांट अवर स्टूडेंट्स और अवर सब्सक्राइबर टू गेट फेल इन द इंटरव्यू, ठीक है भाई। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आपको देखना है कि कैसे क्या क्या स्टेप थे, क्या क्या स्टेजेस थे वहां पे, तो आप आई बटन में क्लिक मार के उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं और आपको सीख सकते हैं कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है। बात करते हैं ईमेल आईडी में, आपको ईमेल आईडी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यहीं पे आपसे गलती होती है, ठीक है। तो ईमेल आईडी टाइप करिए, फुल नेम लिखिए, जेंडर में फीमेल, मेल का ऑप्शन नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि मेल की हायरिंग ही नहीं है ये, ठीक है। फोन नंबर लिखिए, करंट लोकेशन लिखिए, करंट लोकेशन क्या है आपका, फिर प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए आपका, ठीक है। प्रेफर्ड लोकेशन दोस्तों, यहाँ पे लोकेशन ऑडी इन्होंने शेयर कर दिया है, पहले ये शेयर नहीं करते थे लेकिन इन्होंने यहाँ पे लोकेशन शेयर कर दिया है। अगर आप पुणे में इंटरव्यू देते तो दोस्तों वो है रॉयल ऑर्चिड गोल्डन स्वीट्स, रमाडा बाय लखनऊ दोस्तों, वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है 8 फरवरी को, दिल्ली में कंडक्ट 13 फरवरी को, गुवाहाटी में 15 फरवरी को, बैंगलोर में 20 फरवरी को, कन्नूर में दोस्तों 22 फरवरी को, चेन्नई में 27। तो अगर आपको इंटरव्यू देना है तो रेडी हो जाइए, लोकेशन आपको इन्होंने ऑलरेडी बता दिया। ऐसा नहीं कि मेल आएगा, मेल आया चाहे ना आया, ठीक है, रिवर्ट आया चाहे ना आया, फिल अप द फॉर्म, गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। चेन्नई में 27 फरवरी, यहाँ पे लोकेशन इन्होंने लॉन्च नहीं करी है 13 फरवरी को, ठीक है भाई। तो हो सकता है कि विद इन 2-3 डेज वंस यू क्लिक ऑन द फॉर्म दे विल बी लॉन्चिंग द लोकेशन ऑल्सो। सेकंड चीज हो सकता है कि आपको लोकेशन जो है मेल में आ जाए, तो दो चीज होती है, तो बी रेडी फॉर द बोथ द थिंग्स, ठीक है। समझ में आ गया, जैसे यू स्क्रॉल अप यू कैन सी एड्रेस, एड्रेस आपको अपना एड्रेस लिखना है, हाइट लिखना है, वेट लिखना है, BMI लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, कोविड एक्शन में यस लिखना है, पैन कार्ड में यस लिखना है, इंडियन पासपोर्ट में यस लिखना है, अगर आप टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय हो एक्नॉलेज लिखना है, एक्नॉलेजमेंट के तो सबमिट कर देना है, वैसे सबमिट द थिंग्स राइट, आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी उनके पास एंड दोस्तों वो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए अगर आपकी CV शॉर्टलिस्ट होती है। दोस्तों पूरी गेम जो है CV शॉर्टलिस्टिंग की है, अगर आपकी CV शॉर्टलिस्ट नहीं होगी, शॉर्टलिस्ट चलो आपकी अब CV अप टू द मार्क नहीं है, फिर शॉर्टलिस्ट हो भी गई तो मेन गेम तो इंटरव्यू का है दोस्तों। अगर इंटरव्यू क्रैक, क्योंकि CV शॉर्टलिस्ट होना मेन गेम नहीं है, मेन गेम है इंटरव्यू क्रैक करना, एट द डे एंड इंटरव्यू क्रैक करना ही इंपॉर्टेंट है। CV शॉर्टलिस्टिंग के बाद जो सेकंड गेम चलो थे वो इंटरव्यू क्रैक करने की,
So guys, this was all about the video. Don't forget to like and subscribe. मैंने आपको सिखा दिया फॉर्म कैसे फिलअप करना है, मैंने आपको सिखा दिया एजुबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको सिखा दिया इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है. तो फटाफट से मैसेज व्हाट्सएप मैसेज भेजिए. आज है लास्ट डे जॉइन द क्रैश कोर्स एंड इफ यू जॉइन टुडे यू विल बी गेटिंग स्पेशल डिस्काउंट. So guys, this was all about the video. Don't forget to like and subscribe. Next video will be on the Emirates Airlines cabin crew. So guys, bye bye, take care guys. Jai Hind to all.